गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेन, आई एम अमलेश कुमार। आज से मैं ये सोच रहा हूँ कि आप सभी को जो आईपीएस स्टैंडर्ड 12 के बच्चे हैं, जो सीबीएसई एग्ज़ाम देने वाले, जिनका एग्ज़ाम 2 अप्रैल 2024 को है, आप सभी जानते हैं कि आपका जो सीबीएसई सैम्पल पेपर है या फिर जो आपका सिलेबस है फॉर एग्ज़ाम 2024, उसमें आपके फर्स्ट सेक्शन ए में जो हैं वह 1 से लेकर 18 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी 18 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो मैं आज से ही शुरू कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फर्स्ट 1 से लेकर 18 तक जितने भी सैम्पल पेपर्स हैं, जितने भी सारे पेपर्स हैं, उस सारे पेपर्स का सोल्यूशन मैं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको बताऊँ। तो आज मैं सुल्तान चंद का जो सैम्पल पेपर जो रिलीज़ किया गया था उसका मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखेंगे, मैं यहाँ कोशिश करूँगा कि आप सभी को प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊँ और समझाऊँ, जिससे आप 18 मार्क्स का जो क्वेश्चन है सेक्शन ए का वो आसानी से अटेम्प्ट कर सके और कम से कम जो है वो आउट ऑफ 17 to 18 आप ला सके। एंड आई होप कि मैं कोशिश करूंगा कि 7 to 8 जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सैम्पल पेपर मैं अपलोड करूँ 1 से 18, तो आप यदि उसको देख कर जाएंगे, समझ कर जाएंगे, तो हमें नहीं लगता है कि आपको 17 और 18 आने में कहीं प्रॉब्लम होगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ फॉल्स अबाउट द टोपोलॉजी। टोपोलॉजी आप सभी को पता है, द वे टू कनेक्ट अ कंप्यूटर इज कॉल्ड टोपोलॉजी। आई हैव डिस्कस इन द क्लास एंड यू पीपल आर नोइंग अबाउट दिस बिकॉज दिस इज द सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ दिस आईपी सब्जेक्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट देखिए, इन बस टोपोलॉजी सेवरल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ मेन लॉक केबल। यस, बस टोपोलॉजी जानते हैं आप सभी कि एक लॉन्ग केबल होता है, उसमें सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। तो दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज नॉट द फॉल्स। अ फुल्ली कनेक्टेड मेस नेटवर्क हैज n-1 and n-1 divided by 2 लिंक्स वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ कनेक्टिंग नोड्स। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट वन इज मूविंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन। ट्री टोपोलॉजी कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड व्हेन बस एंड स्टार टोपोलॉजी आर नॉट इम्प्लीमेंटेड इंडिविजुअली। नो, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ट्री टोपोलॉजी कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड व्हेन बस एंड स्टार टोपोलॉजी आर नॉट इम्प्लीमेंटेड इंडिविजुअली। नो, ट्री टोपोलॉजी से इससे लेना देना नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, इन रिंग टोपोलॉजी सिग्नल इज ट्रांसमिटेड ओनली इन वन डायरेक्शन। तो दिस इज ऑल्सो ओके। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज थर्ड नंबर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रेन। डैश इज द प्राइमरी लॉ इन इंडिया टू डील विद द साइबर क्राइम। देखिए, इसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जहां पर प्राइमरी लॉ जो साइबर क्राइम को डील करता है, तो आपको आईटी एक्ट 2000 आंसर देना है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे तो आंसर विल बी व्हाट, आईटी एक्ट 2000। ठीक है चिल्ड्रेन, अब आगे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसर्न कॉज्ड ड्यू टू द ओवरट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या इसमें से रीजन नहीं है टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज करने के लिए? सोशल आइसोलेशन, ये तो सही है। लॉस ऑफ अटेंशन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, दिस इज ऑल्सो ओके। एनीमिया ये बायो का टर्म है, एक बीमारी है जो आप नेटवर्क या फिर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो इससे नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4 नंबर। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा ना, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स विल गिव द आउटपुट एज अ 10। देखिए, यहां पर 10 आउटपुट कौन देगा? देखिए, सेलेक्ट पंथ, और आप सभी जानते हैं बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेट होता है वह क्या होता है, YYYY देन MM एंड देन DD। तो यहां देखिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, तो मंथ फंक्शन क्या करता है कि डेट जो आप डालते हैं उससे मंथ का नंबर रिटर्न करता है। तो यह मंथ जो है वह 10 है। ठीक है, दिस इज करेक्ट। यहां सेकंड का बात करते हैं, सिलेक्ट डेट। देखिए, डेट डालते हैं और इसके अंदर डेट पास करते हैं तो ये आपका सेम रिटर्न करेगा। ठीक है, तो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर बिकॉज हमें 10 चाहिए, तो यहाँ 10 नहीं देगा। सिलेक्ट मंथ, मंथ में यहाँ देखिए, तो मंथ यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो फॉर्मेट है वह क्या है, YYYY देन MM। तो यहाँ पर देखिए MM में यहाँ क्या रिटर्न कर देगा, मंथ नेम क्या रिटर्न करेगा, 9। तो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। फोर्थ वन देखेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट मंथ नेम एंड 1993। देखिए, यहाँ पर मंथ नेम है, यदि ये मंथ रहता देन दिस इज ओके, बट यहाँ मंथ नेम है तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, अक्टूबर आ जाएगा। मैं आपको यहाँ एग्जीक्यूट करके भी दिखा दूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ एग्जीक्यूट किया फर्स्ट वन, सेलेक्ट मंथ एंड देन दिस वन, तो आंसर विल बी 10। तो पहला ऑप्शन आ गया यहाँ पर। यदि मैं सेकेंड को यहाँ रन करूँ, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और सेकेंड को रन करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज ये फॉर्मेट सही नहीं है, इसीलिए आपका जो है वो नल दे रहा है। यदि मैं यहां पर बात करूं, थर्ड नंबर को एग्जीक्यूट करूं, तो हाँ सॉरी,
थर्ड नंबर जो है हमारा ऑप्शंस जो है दिस वन। तो मैं इसको रन करूँ तो देखिए यहाँ पर आपका 9 आएगा, जब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 9 आएगा। तो इसको रन करके देखिए, ये देखिए यहाँ पर 9 आ रहा है। 9 क्यों आ रहा है तो आप समझ सकते हैं, बिकॉज जो मंथ जो है यहाँ पर 09, तो इसीलिए 9 रिटर्न कर रहा है। यदि मैं लास्ट का बात करूँ तो देखिए यहाँ पर आपका जो है वो अक्टूबर आएगा, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है कि आपसे पूछ रहा है कि 10 कौन सा रिजल्ट देगा। तो आंसर इसका क्या होगा चिल्ड्रन, फर्स्ट वन आंसर क्या होगा, दिस इज ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। देखिए राउंड फंक्शन बता चुके हैं, इसको मिस्टेक करना ही नहीं, एक नंबर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही। देखिए यहाँ जो बोल क्या रहा है ना, राउंड फंक्शन में जो है फ्लोट पास कर रहे हैं यहाँ पर, और कहाँ तक राउंड करना है, अप टू 3 डेसिमल के बाद 3 तक करना है। तो देखिए 0, 2, 3 यहाँ तक तो आएगा, इसके बाद देखिए क्या है 3, 5 है, 3, 5 है, यानी 3, 5 राउंड होकर क्या हो जाएगा 3, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ और उसके बाद आंसर क्या होता है आप देखिए। यहाँ पर मैंने बताया था, यहाँ पर देखिए ये जो है 2, 3 और ये आपका क्या जा रहा है, राउंड करना है आपको, तो 0, 2, 3 एंड देन 3, 5। ठीक है, तो अब ये जो है यहाँ देख रहे हैं, इट इज व्हाट, आप देख सकते हैं 35 यहाँ आ रहा है, तो 35 राउंड होकर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर 024 आंसर आएगा। तो आप देखिए इसका आंसर कौन सा है, 024, तो दिस इज द करेक्ट आंसर चिल्ड्रन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। आईपीआर स्टैंड फॉर इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। देखिए यहाँ पर इंटेक्ट प्रॉपर्टी राइट रॉन्ग है, इंटरनेट प्राइवेसी राइट गलत है, इंफॉर्मेशन प्राइवेसी राइट गलत है, तो इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दिस इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ आईपीआर, ध्यान रखेंगे चिल्ड्रन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स टू रीड अ सीएसवी फाइल नेम्ड स्टूडेंट डॉट सीएसवी। सीएसवी फाइल को जब रीड करना होता है ना चिल्ड्रेन, तो देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, तो रीड अंडरस्कोर सीएसवी आपको जाना पड़ेगा, रीड अंडरस्कोर सीएसवी जाना पड़ेगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, देखिए तो किसमें है, रीड अंडरस्कोर सीएसवी एंड फाइल का नाम क्या है, स्टूडेंट डॉट सीएसवी। ए क्यों नहीं होगा, बिकॉज यहाँ डॉट सीएसवी नहीं है, तो आंसर विल बी फोर्थ वन, pd.read_csv एंड देन जो फाइल को रीड करना है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रेन, विच कमांड इज यूज टू रिमूव द इंटायर टेबल हार्डवेयर फ्रॉम द डेटाबेस। हार्डवेयर टेबल को आपको रिमूव करना है, तो टेबल को डिलीट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो कमांड यूज करना पड़ेगा, ड्रॉप टेबल हार्डवेयर। देखिए किसमें है, ड्रॉप टेबल हार्डवेयर, तो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, परमानेंटली हटाना है, तो फर्स्ट वन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है अपर, सेलेक्ट अपर लेफ्ट मंथ नेम, मंथ नेम इसमें क्या आएगा, दिसंबर आएगा। ठीक है, दिसंबर आएगा, तो ये रिटर्न जो है आपका यहाँ पर मंथ नेम जो फंक्शन है वो रिटर्न करेगा क्या, दिसंबर, यानी दिसंबर यहाँ पास करेंगे, और दिसंबर के बाद क्या है, 5 लेटर चाहिए, कहाँ से लेफ्ट चाहिए, तो लेफ्ट से 5 चाहिए, तो दिसंबर में आप देखिए लेफ्ट से 5 जो होगा वो क्या होगा, DECE होगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अपर केस करना है, तो आंसर विल बी व्हाट, DECEM, तो आंसर विल बी व्हाट, दिस वन, बिकॉज ये तो लोअर में करेगा, लेकिन अपर क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा, है ना, लोअर को। अब इसको रन करेंगे तो यू कैन सी द आंसर क्या होगा, आंसर इसका देखिए, ठीक है, DECEM, तो आंसर आपका जो होगा वो कौन सा होगा, सेकंड नंबर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रेन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड विल शो द टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स प्रेजेंट इन द डेटा फ्रेम नेम्स एज अ DF। देखिए टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे चिल्ड्रेन, जब भी हम लोग नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम का बात करें, तो हम लोग यहाँ पर सेव जो एट्रीब्यूट होता है डेटा फ्रेम का वो यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ एक क्यों नहीं होगा, दिस इज अ फंक्शन, दिस इज रॉन्ग। साइज में क्या होता है, हमारा दोनों ऐड करके दिखाता है। ठीक है, और df.save, why this is not the correct answer, because s is a capital, so attribute जो है वह हमेशा lower में होता है, तो answer will be this one, okay, confusion होगा comment में बताएंगे, मैं उसको और details में बता दूंगा। Moving to the next question, the unique identifier in table that is not allowed to have a duplicate or null value is called, देखिए unique identifier, बात कर रहे हैं यूनिक आइडेंटिफायर इन अ टेबल, तो टेबल में यूनिकली जो आइडेंटिफाई करता है, तो आंसर विल बी प्राइमरी की। वाई नॉट फॉरेन की, तो एक टेबल में फॉरेन की नहीं हो सकता है, फॉरेन की बात करते हैं तो दो टेबल कम से कम होना चाहिए, कैंडिडेट की भी नहीं होगा, अल्टरनेट की भी नहीं होगा, आंसर विल बी प्राइमरी, जहां पर आता है टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, तो आंसर विल बी व्हाट, प्राइमरी की। नाउ विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रेन, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 बात करें हम यहाँ पर, बोल क्या रहा है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज्ड इन फंक्शन टू डिस्प्ले द फर्स्ट 5 रोज ऑफ अ स्पेसिफिक कॉलम इन अ डेटा फ्रेम df। फर्स्ट 5 कॉलम, तो फर्स्ट 5 कॉलम मतलब ऊपर से बात करते हैं, तो हमारे पास ऊपर से बात करना हो तो हेट फंक्शन होता है df.hate फंक्शन। यहाँ कुछ नहीं भी पास करेंगे तो बाई डिफॉल्ट 5 ही शो करेगा। ठीक है, यदि नीचे से होता तो हम लोग टेल यूज करते, करेक्ट।
देखिए इस क्वेश्चन में कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट फाइव है तो आपका बाय डिफॉल्ट यहाँ डीएफ डॉट हेड हो जाएगा। टेल नीचे से होता है। डिस्प्ले नाम का कोई फंक्शन हम यूज नहीं करते हैं डेटा फ्रेम में। सो नाम का भी फंक्शन हम यूज नहीं करते हैं। सो नाम का फंक्शन जो है हम लोग कहाँ यूज करते हैं, मैट प्लॉटलिप यूज करते हैं। तो आंसर विल बी दिस। यदि ये सिक्स होता तो यहाँ हमें सिक्स पास करने की जरूरत होती, ठीक है। यदि मैं कुछ पास नहीं कर रहा हूँ तो ये फाइव फर्स्ट फाइव शो करेगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स कैन बी कैटेगराइज एज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इसमें से कौन सा जो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंदर आता है। तो देखिए यहाँ पर आप बात करते हैं लेड, ठीक है, कैडमियम, ठीक है, मरकरी, ठीक है, यानी कि तीनों जो आप देख रहे हैं ना ये हमारा ई वेस्ट में आता है। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज चिल्ड्रेन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एसक्यूएल द इक्विवेलेंट ऑफ एल केस इज। एल केस देखिए आप देखेंगे इस टेक्स्ट फंक्शन में या स्ट्रिंग फंक्शन में आप पढ़े होंगे तो उसमें एल केस को हम लोग लोअर बोलते हैं, यू केस को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर बोलते हैं। तो यहाँ पर एल केस का पूछ रहा है यहाँ पर, तो आंसर विल बी लोअर। कंफ्यूज नहीं होना है चिल्ड्रेन, लोअर केस नाम का कोई फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। नाउ यदि मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं यहाँ पर ना, तो बहुत सिंपल सा एग्जीक्यूशन कर देता हूँ मैं यहाँ पर। देखिए ऐसी एलईसीटी सिलेक्ट, यदि हम लोअर डालते हैं यहाँ पर और मैं अपना नाम डालता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं अपना नाम डालता हूँ, ठीक है, और देखेंगे तो यहाँ पर लोअर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसी को हम यदि बात करें यहाँ पर और यहाँ पर एल केस कर दें यहाँ पर, ठीक है, एल केस, और यहाँ पर मैं सेम पास कर दूँ यहाँ पर, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर तो बोथ विल प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट। तो आंसर जो है वह लोअर को क्या बोलते हैं, एल केस बोलते हैं, ये ध्यान रखेंगे चिल्ड्रन, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। डैश इज यूज फॉर एक्सेसिंग एंड स्टोरिंग ईमेल्स फ्रॉम मेल सर्वर ओवर अ TCP/IP, ठीक है। TCP/IP का बात यहाँ हो रहा है, TCP/IP कनेक्शन हो। तो देखिए SMTP जो है ना वो मेल क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसफर करने का बात होता है। बट जहां पर स्टोरिंग का बात होता है, देखिए कन्फ्यूजन यहाँ होगा आपको, SMTP में कन्फ्यूजन है क्योंकि इसका आंसर SMTP बोलेंगे बिकॉज इट्स रिलेटेड टू द मेल। लेकिन ये क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल को ट्रांसफर करने के लिए। बट यहाँ जो पूछ रहा है यूज फॉर एक्सेसिंग एंड स्टोरिंग ईमेल्स, ईमेल को स्टोर करने का बात कर रहा है। तो आंसर होगा यहाँ IMAP होगा चिल्ड्रन, ठीक है, क्या होगा, IMAP। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। बोल क्या रहा है यहाँ पर, डिजिटल फुटप्रिंट शुड बी प्रॉपरली मैनेज एज दे कैन रिवील अ लॉट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट यू विच वन शेयर कांट बी इरेज और कंट्रोल। तो यहाँ पर जो है बोल क्या रहा है कि वन शेयर कांट बी इरेज और कंट्रोल। तो इसका आंसर अभी क्या लगता है, इसका आंसर बिल्कुल सही है। डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है कि वट एवर यू आर डूइंग इन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म वन परमानेंट कॉपी विल बी क्रिएटेड एंड दैट कॉपी विल बी नेवर इरेज्ड। आप कुछ भी कर दें, कुकीज डिलीट कर दें या फिर आप हिस्ट्री डिलीट कर दें, बट वो डिलीट नहीं होता है। तो आंसर यहां पर जो होगा, दिस इज ट्रू, कांट बी इरेज्ड, दिस इज ट्रू। नाउ देखिए 17 और 18 में, अभी मैंने प्री बोर्ड का कॉपी जब चेक किया तो देखा कि 17 18 में बहुत सारे बच्चे गलत किए। देखिए 17 और 18 जो है ना वो लॉजिक पर है आपका, ध्यान से देखेंगे। यहाँ बोल रहा है एसरेशंस एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस दो आते हैं और बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि वो ऑप्शन दिया हुआ, अच्छा फर्स्ट बोल रहा है बोथ ए एंड आर, मतलब जो उसका दिया हुआ और उसका जो रीजन दिया हुआ वो ट्रू है, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, यानी कि देखिए पढ़ते हैं यहाँ पर। और नेटवर्क इंटरफेस यूनिट NIU इज अ इंटरप्रेटर दैट हेल्प्स एस्टैब्लिश कम्युनिकेशंस बिटवीन अ सर्वर एंड क्लाइंट। एक जो डेफिनेशन दिया हुआ है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट का और उसका रीजन दिया हुआ है NIU हैज अ 12 डिजिट एड्रेस नोन एज अ MAC एड्रेस व्हिच इज रिटन एज 00 देन BO देन E5 देन दिस वाज, इसके बारे में दिया हुआ है। जब इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो आप देखेंगे तो क्या है, ए इज ट्रू, ए का जो डेफिनेशन यहाँ देखेंगे तो ए का जो डेफिनेशन बिल्कुल सही है, लेकिन उसका जो रीजन दिया हुआ है ना, दिस इज फॉल्स। तो कहाँ देखिए ए ट्रू है बट रीजन फॉल्स है, तो यहाँ पर जो आंसर जो इसका होगा 17 का वह थर्ड नंबर होगा। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 18 एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन फॉर ऑब्जेक्टिव बेस्ड।
बोल क्या है, डेटा फ्रेम इज वन डायमेंशनल टेबुलर डेटा स्ट्रक्चर इन पंडास। डेटा स्ट्रक्चर वन डायमेंशनल है क्या डेटा फ्रेम? नो, यदि वन डायमेंशनल का बात करें तो दिस इज सीरीज, तो आंसर जो है वह ए तो है, वह क्या है गलत, बी देखते हैं। डेटा फ्रेम इज लाइक अ स्प्रेडशीट और एन एसक्यूएल टेबल वेयर डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, दिस इज करेक्ट। सो यहां पर जो आंसर होगा वह क्या है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, सो आंसर विल बी व्हाट फॉर दिस क्वेश्चन, ए इज फोर नंबर। तो चिल्ड्रेन आज का जो है सेट वन जो मैंने सुल्तान चंद पब्लिकेशन से लिया था, मैंने सारे 18 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है, और यदि आपको समझ में आए तो आप इसको प्रैक्टिस करें, कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। एंड मैं कल फिर एक नए सैंपल पेपर का जो है ऑब्जेक्टिव लेके डिस्कस करूंगा। आई एम टेलिंग टू यू पीपल चिल्ड्रेन दैट 6, 7, 8 अप टू 10 आई विल अपलोड, एंड 10 देख लेंगे आप तो आपको 18 में से 17 तो कोई रोक ही नहीं सकता है। बाकी कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो चिल्ड्रेन।